झारखंड के बोकारो में सफाई कर्मियों ने आंदोलन प्रारंभ कर सफाई कार्य को बंद कर दिया है। सफाई कर्मियों ने एनजीओ के साथ काम करने का विरोध करते हुए सफाई कार्य को बंद किया है। बोकारो के उपनगर चास नगर निगम के सफाई कर्मियों ने आज से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन प्रारंभ कर दिया है तथा सफाई का कार्य बंद कर दिया है। सफाई कर्मियों ने एनजीओ के साथ काम करने का विरोध किया है। आंदोलनकारियों ने बोकारो उपायुक्त श्री मुकेश कुमार को आवेदन देकर अपनी परेशानियों से अवगत कराया है। जिला उपायुक्त ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई का आश्वासन दिया। वहीं निगम के अधिकारी सफाई कर्मियों को समझाने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। विरोध व्यक्त कर रहे कर्मचारियों का कहना है कि जिस प्रकार वे कार्य कर रहे थे वैसे ही करेंगे। सफाई कर्मियों ने अन्य समस्याओं को भी मुद्दा बनाया। दूसरी ओर निगम क्षेत्र में सफाई बंद करने से परेशानियां बढ़ेंगी, इससे स्थानीय लोगों में चिंता व्याप्त है। जब से सर यहाँ महामारी कोरोना का हुआ है तब से हम लोग सारा सर्विस हम लोग देते आ रहे हैं। लगभग अभी 3 महीने हम लोग होने जा रहा है, 3 महीने से हम लोग को पेमेंट भी नहीं हो रहा। लॉकडाउन मना इतना भुखमरी अभी हम लोग छाया हुआ, तब पर भी हमारा लेबर आज तक कभी आके पेमेंट भी समान आंदोलन कभी नहीं किया। लेकिन हाँ आंदोलन हम लोग एक ही चीज़ दिक्कत हो रहा है कि जो नगर निगम में जो 3R का माध्यम से जो बोल रहा है कि जितना सफाई कर्मचारी ड्राइवर चालक सबको आप लोग को 3R के माध्यम से पेमेंट होगा और आप लोग को एनजीओ में जाना होगा। तो हम बोल रहे हैं कि हम लोग एनजीओ में जितना हम लोग सफाई कर्मचारी थे हम लोग कोई एनजीओ पे हम लोग नहीं जाएंगे। इसके लिए अभी हम लोग शशि प्रकाश झा से और जो सिटी में जो लोग से बात किए हैं कि कल से फिर देख रहे हैं एनजीओ वाला यहाँ दौरा मारा लेटर बना रहा है, तो नहीं नहीं आप लोग को तो एनजीओ में जाना ही पड़ेगा। तो अब हम लोग तो सर सोच लिए हैं कि या फिर एनजीओ वाला को हटाए या फिर हम न्यूजलैंड चैनल को YouTube में सब्सक्राइब करें और खबरें सबसे पहले देखने के लिए बेल बटन जरूर दबाएं। न्यूजलैंड में खबर की सूचना देने के लिए संपर्क करें और वीडियो WhatsApp करें। हमारा संपर्क नंबर है